वंदे मातरम। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आज का सवाल है कि नैरोज उत्सव किस धर्म का प्रचलित नववर्ष उत्सव है। तो नैरोज का जैसे बात करते हैं तो याद आता है बलवन का। मध्यकालीन भारत में बलवन जो है नैरोज उत्सव का शुरुआत किया था। नैरोज उत्सव नववर्ष पर्व है पारसियों का। पारसी की बात करेंगे तो पारसी ईरान से भाग के भारत आए थे। सबसे ज़्यादा पारसी जो है महाराष्ट्र में है। और ये पारसी जो है इसका जो धर्म प्रवर्तक थे यानी संस्थापक जराथुष्ट, ये याद रखना है जराथुष्ट पारसी का। और पारसी का जो टेम्पल होता है बार बार कंपटीशन में आता है अग्नि मंदिर यानी फायर टेम्पल, अग्नि का मंदिर जो है इसका मंदिर होता है। और जैन अवस्था इसका धार्मिक ग्रंथ है, जैन अवस्था, ये भी याद रखिएगा। और ये जब हम पारसी की बात करते हैं तो इसके साथ कई धर्म है जिसका, जैसे इसका नववर्ष जो होता है पारसियों का, नैरोज पूछा है प्रश्न में, हिंदुओं का क्या होता है, हिंदुओं का चैत मास में जो पहला नवरात्रि होता है उसका पहला दिन। इसी तरह मुसलमानों में, मुस्लिम में मुहर्रम मंथ का पहला दिन जो होता है मुसलमानों का नववर्ष होता है। कि ईसाई में क्रिसमस जो होता है वो जो होता है नववर्ष होता है। इस तरह जो हम देखते हैं नववर्ष, अगर इस जितना भी धार्मिक चीज है उसका आप मंदिर मस्जिद और उससे रिलेटेड धार्मिक ग्रंथ ये सब याद कीजिए। जैसे यहूदी धर्म जो है वो सबसे पुराना माना जाता है और इसको इब्राहिम धर्म भी माना जाता है। चूंकि यहूदी धर्म फारसी और मुस्लिम धर्म का मिलाजुला असर उसमें मिलता है यहूदी धर्म में। यहूदी धर्म में जो होता है उसका भी नववर्ष होता है, रोस होनसाना कभी कभी आएगा, ये याद रखिए रोस होनसाना। ये जो है इसका नववर्ष होता है यहूदियों का। और न्यू टेस्टामेंट इसकी पुस्तक है यहूदियों का। ये पर जैसे हिंदू में हम महाभारत रामायण, उसी तरह मुस्लिम में पढ़ते हैं कुरान, ईसाई में बाइबिल। तो ये सब चीज़ को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन व्यू से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये सब जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। ये पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग बनाते थे, योजना आयोग की स्थापना जानते हैं हम लोग 1950 में हुआ था। और ये पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जैसे पहला पंचवर्षीय योजना था 51 से 56, 56 से 61। इस तरह हम याद करने के लिए इसमें जो प्रश्न है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तो ये हम बताएं पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना को आराम से समझिए, जैसे पहली पंचवर्षीय, द्वितीय और चौथी पांचवी। पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 1956 तक था, और ये कृषि पर आधारित थी और इसको हेरोडोमर मॉडल दिया था पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा जो था 1956 से 1961, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ये जो पीसी महाल नोविस थे इसको जो है इसका मॉडल तैयार किया था, और उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये बार बार आता है इसमें बहुत कंपनी, जैसे एक ट्रिक था भिरा दूं, ये प्रश्न आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा जो है कारखाना, जैसे इसका ट्रिक है भिलाई राउरकेला दुर्गापुर, याद रखिएगा भी से भिलाई हुआ राउरकेला दुर्गापुर, ये तीन जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तैयार हुआ था भिलाई राउरकेला। इसका ये किस किस देशों के सहयोग से ये भी पूछता है, जैसे भिलाई है, भिलाई पूछता है रूस से, राउरकेला जर्मनी से, दुर्गापुर ब्रिटेन से। तो ये तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तैयार हुआ था। तो ये 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं कि 1961 से 1966, ये 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें भी तृतीय पंचवर्षीय योजना जो सबसे असफल योजना थी इसको जानते हैं, और इसका जो तैयार किया था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती जो थे इसका मॉडल तैयार किया था, और इसमें कृषि और उद्योग दोनों आधारित था, इसको याद रखना। तीसरा पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक घटना हो जाती है, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हो जाता है, 1966 से 1969 ये योजना अवकाश है, अवकाश
ये योजना अवकाश है, पहली अनवरत योजना इसको बोलते हैं। इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। ये प्रश्न आता है हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था यही योजना अवरत में, या तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही बोल आंसर मारेंगे, नहीं तो ये अनवरत अवकाश में। हरित क्रांति भारत में किसने शुरुआत किया था? एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, तो ये याद रखना है। इसके बाद 1969 से 1974 ये है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 1969 में बहुत काम हुए थे, जैसे कि इसरो की स्थापना 1969 में, पहली बार चांद पर नील आर्मस्ट्रांग गया था 1969, तो ये इसमें कई ऐसा चीज़ है 1969 में, आप इसको देखिए याद कीजिए। अब और ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना था इसको तैयार किया है गाडगिल ने इसको तैयार किया था, मॉडल तैयार किया था। अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। यह क्वेश्चन बार बार आता है कि एक वर्ष पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई, यही पंचवीं पंचवर्षीय योजना, जो प्रश्न आया है आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम, और ये एक वर्ष पहले खत्म कर दी गई थी इस योजना को। अब इसमें ये तो बता दिए, हाँ ये डीपी धर इसका जो है मॉडल तैयार किया था, डीपी धर ने, इसको याद रखना। वैसे पंचवर्षीय योजना का बहुत सा कॉलम है ऊपर से, अभी लास्ट 2017 तक जितना भी बना था योजनाएं, और इसको अभी आपको पता है ना योजना आयोग हट गई, अब उसके बदले आ गई है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है, और वही अब योजना के बारे में नीति तैयार करती है, तो ये चीज को आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु बम का खोज किसने किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, परमाणु बम ऑटो हन, जितना भी आविष्कारक है उसको याद रखिए। ऐसे हम बताने के लिए ऑप्शन देखिए, एडिशन है तो बल्ब का एडिशन किया है एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम या संलयन को किया है यही एडवर्ड टेलर ने, और जेम्स वाट तो भाप इंजन। अब हम देखते हैं परमाणु बम, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, पहले भी हम चैप्टर नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन का बताए हैं। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है दो तरह का विखंडन होता है, एक होता है नियंत्रित विखंडन, एक होता है अनियंत्रित विखंडन। ये दो तरह का विखंडन होता है। नियंत्रित मतलब क्या, कंट्रोल कर लें, जैसे परमाणु रिएक्टर देखते हैं ना, परमाणु से बिजली बनता है, कुडन कुलम बहुत नरोड़ा, कई ऐसे परमाणु संयंत्र है जहाँ बिजली उत्पन्न होता है, वहाँ क्या करता है रिएक्टर से उसका रोक देता है, नहीं तो ब्लास्टे हो जाएगा। कहने का मतलब परमाणु अनियंत्रित बम अनियंत्रित विखंडन है, यानी छोड़ दिया तो पूरे जितना उसमें बारूद है सब चलिए जाएगा, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित विखंडन। नियंत्रित मतलब उसको कंट्रोल कर, जैसे मंदक का उपयोग ग्रेफाइट भारी जल का होता है, तो ये चीज नियंत्रित विखंडन। ये सवाल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ताला परियोजना किस नदी पर है, आप क्वेश्चन वहां देख लीजिए, ताला परियोजना किस नदी पर है। तालाब बोंगचुंग नदी भूटान पर, ये बोंगचुंग नदी भूटान का नदी है, इस पर ताला परियोजना बहुत फेमस है, इसलिए फेमस है कि ये जो परियोजना है ये बोंगचुंग नदी भूटान का बड़ी नदी है, और ये इस पर कई विवाद बार बार होते हैं, इसलिए ये जो है बहुत फेमस है। अगला ये जो ऑप्शन में नदी देख रहे हैं, इरावदी बर्मा का सबसे लंबी नदी है, बर्मा का सबसे बड़ी नदी इरावदी नदी है। महाबली गंगा ये श्रीलंका का नदी है, और कोसी नदी तो आप जानते हैं बिहार का, शोक बोलते हैं कोसी नदी को। ऐसे परियोजना की बात करेंगे तो बहुत ऐसा परियोजना, जैसे इसमें ताला परियोजना, जैसे इडुक्की परियोजना बार बार कंपटीशन में आता है, पेरियार नदी केरला में है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में है, तो इस तरह कई ऐसा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, तो ये सब चीज को आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, कार की बैटरी, कार का बैटरी का मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेबल हो, कार के बैटरी में क्या होता है, जब तक गाड़ी चलता है रेगुलेटर से चार्ज हो जाता है, यानी बैटरी की, देखिए बैटरी की बात अगर हम करें, बैटरी का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो कार के बैटरी में क्या पाया जाता है इसको समझने के लिए हम बैटरी पढ़ लेते हैं। बैटरी जो है सेल इसको बोलते हैं ना, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल का, दूसरा होता है द्वितीयक। अब प्राथमिक सेल में हम बांट दिए एगो ट्रिक,
बोडासेल, बोडासेल, और इसको हम चार्जेबल द्वितीयक सेल को चार्जेबल सेल बोलते हैं, बैटरी वाला, यानी इसमें आता है शीशा संचायक सेल, इसको बोलते हैं शीशा संचायक सेल। आपको कई कई बार प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा द्वितीयक सेल है, तो ये मार दीजिएगा, कौन प्राथमिक सेल है, तो ये बोडा सेल मारिएगा। बोडा सेल का फुल फॉर्म है ये, देखिए बो से बोल्टीय सेल, डा से डेनियल सेल, ये से शुष्क सेल, लो से लोकलांशे सेल, ये चार सेल है, ये याद रखना, ये सब प्राथमिक सेल आता है। प्राथमिक सेल मतलब होता है चार्ज नहीं कर सकते हैं, और द्वितीयक सेल जो होता है शीशा संचायक सेल, यानी शीशा जिसमें रहेगा वो फिर से चार्ज होगा, चार्जेबल होगा। आप देखते हैं ना कभी कभी चार्जेबल बैटरी मिलता है, और ये जो आप निप्पो वाला छोटा बैटरी मिलते हैं ये चार्जेबल नहीं है, यूज कीजिए थ्रो कीजिए, तो ये बैटरी आपका बोडा सेल शुष्क सेल जानते, तो इसको याद रखिएगा, ये बोडा सेल और शुष्क सेल, ये अगर साइंस आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं तो ये देखिए बोडा सेल, इसका भी विभवांतर जो होता है बोडा सेल का 1.8 होता है, इसका 1.5 होता है वोल्ट ये, और ये बोडा में जो होता है शुष्क सेल में, ये दोनों में दो चीज पाया जाता है द्रव के रूप में, इस शीशा संचायक सेल में विध्रुवक के रूप में H2SO4 का उपयोग होता है। यानी ये जो आपका प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो आप बोडा सेल देख रहे हैं इसमें आपको पूछ लेगा कि एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, तो ये सब भी इसको याद रखिएगा। कैथोड मैक्सिमम जो है जस्ता होता है, कैथोड, कैथोड मतलब ऋण आयन जो होता है वो जस्ता होता है। ये बोडा सेल है, इसमें जो है एनोड के रूप में इसमें तांबा प्रयोग होता है, इसमें एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग होता है। तो ये सब साइंस का चैप्टर है, थोड़ा इंटरनल अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इस सेल में, इसको आप ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रहे जस्ता हमेशा कैथोड यानी ऋण आवेशित होगा। शीशा संचायक सेल में शीशा का यूज होता है, यानी एनोड को PbO2 शीशा हुआ, और कैथोड के रूप में शीशा PB, ये जो है ये उपयोग होता है। ये सब साइंस का चैप्टर है, इसको देखिए, ड्राइवर का अगर तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।